Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 1 of your book Gems English Reader. Let's start with Get Set. Oliver, the young boy in the story, enjoys his stay in the countryside. Countryside, says, ke area ko gramir ilakon ko Toh ye story hai. ओलिवर की जो एक यंग लड़का है और वो जब गांव में जाकर रहता है तो उसे कितना मजा आता है ग्रामीण जीवन को कितना वो एंजॉय करता है ये कहानी उसके बारे में है। आर. एल. स्टीवेन्सन डिस्क्राइब्स डी कंट्रीसाइड इन द पोम फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। आर. एल. स्टीवेन्सन ने कंट्रीसाइड को डिस्क्राइब किया है गांव के एरिया को डिस्क्राइब किया है अपनी पोम में फ्रॉम को बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनकी हेल्प से पूरा करना है सम वर्ड्स राइम विद लाइन कुछ वर्ड्स राइमिंग भी है तो आपको बॉक्स की हेल्प से इस पोम को कंप्लीट करना है पहले हम इस पोम को कंप्लीट करेंगे और फिर इसका मतलब भी समझेंगे Stevenson की ये पोम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज जब वो रेलवे से यात्रा कर रहे हैं तो फिर आसपास के एरिया को जो गुजरती है जहां से ट्रेन उसको वो डिस्क्राइब करते हैं जब ट्रेन गांव के इलाके से गुजरती है तो उन्हें कैसी झलकियां दिखती हैं इसका उन्होंने इस पोम में वर्णन किया है Faster than fairies. हमारी जो कल्पना होती है कि परियां, या फिर विचिस विचिस कहते हैं चुड़ैलो बुरी आत्माओं को तो हमारी जो कल्पना है काल्पनिक कहानियां हैं उसमें ये जो विचेस हैं, या फिर फेरीज परियां हैं ये बहुत तेज चलती हैं बहुत तेज उड़कर इधर-उधर चली जाती हैं तो आरएल स्टीवेंसन लिखते हैं कि हमारी ये जो ट्रेन है ये परियों से भी तेज और चुड़ैलों से भी तेज विचस से भी तेज ब्रिजेस एंड हाउसेस इन सब से भी तेज चलती है और उसे क्या दिखता है रास्ते में ब्रिज दिखते हैं हाउसेस घर दिखते हैं हेजेस यानी बाउंड्रीज बाड़े होते हैं और डिचेस यानी खाइया एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल इन सबको चीरते हुए हमारी ट्रेन फास्टर देन फेरीज परियों से भी तेज और विच से भी तेज आगे बढ़ती जाती है एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल और इस तरह से आगे बढ़ती है जैसे कि युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ती है ट्रूप्स है कलेक्टिव नाउ जो बहुत सारे सैनिकों के लिए यूज होता है। तो जैसे कि युद्ध क्षेत्र में सैनिकों का झुंड आगे बढ़ता जाता है ऐसे ही हमारी ट्रेन भी आगे बढ़ती जाती है ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेज एंड कैटल रास्ते में क्या दिखते हैं मीडोज घास के मैदान घास के मैदान से होते हुए हॉर्सेस एंड कैटल घोड़े हैं और मवेशी भी घास के मैदान में दिखते हैं जो वहां पर घास चल रहे होते हैं ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन और साथ ही साथ पहाड़ी भी दिखती है और प्लेन एरिया यानी मैदान भी दिखता है फ्लाई एस थी एस ड्राइविंग ग्रेन जब पहाड़ों पर मैदानों में जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर बादल उड़ रहे हैं तो हमारी ट्रेन भी इसी तरह तरह से बारिश की तरह उड़ती हुई पहाड़ों से मैदानों से आगे बढ़ती चली जाती है एंड एवर अगेन इन दिंग ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विसिल और आगे बढ़ते बढ़ते अलग झपकते ही विंक ऑफ आई यानी आंखों के झपकते ही पेंटेड स्टेशंस यानी रंग बिरंगे कलरफुल रेलवे स्टेशंस आ जाते हैं जहां पे ट्रेन विसल बजाते हुए पहुंच जाती है हेयर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स फिर वो वर्णन करते हैं एक बच्चे का वो बच्चा जो ब्लैकबेरी की झाड़ियों से ब्लैकबेरीज को इकट्ठा करने के लिए क्या कर रहा है क्लैम्बल एंड स्क्रैम्बल्स उस पर चढ़ता है और फिर हाथापाई करता है यानी बहुत कठिन प्रयास करता है कि वो ब्लैकबेरीज़ को तोड़ ले हेयर इज अस्ट्रैप ट्रैम्प कहते हैं आवारा लोगों को जिनके पास कोई काम नहीं है तो वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है जो केवल खड़े हुए घूरते रहते हैं ट्रेन को आपने भी ट्रेन से यात्रा की होगी तो बहुत से लोग जाती हुई ट्रेन को देखते रहते हैं तो पोएट ने उनका भी वर्णन किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है वो खड़े हुए दूर से जाती हुई ट्रेन को निहारते रहते हैं एंड देर इज ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजी कार्ट अवे इन द रोड और फिर वो कहते हैं कि वहां पर हरियाली है डेजी के फूल है जिनकी माला बना रहे हैं हेयर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड और फिर यहाँ पर एक कार्ट है गाड़ी है जो सड़क पर चल रही है लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड और वो गाड़ी कैसी है लंपिंग अलोंग विद मैन यानी आदमियों के वजन से भरी हुई और साथ ही साथ गाड़ी का भी जो बोझ है वो उसे बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने दे रहा है तो गाड़ी बहुत मुश्किल से इतने सारे बोझ के साथ आगे बढ़ रही है वहां पर एक मिल भी है और नदी भी आई है रास्ते में अ अलिम्स एंड गॉन फॉर एवर और ट्रेन से चलते समय हमें इन सब की केवल एक क्लिम्स दिखती है झलकी दिखती है और फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती है तो स्टूडेंट्स थी ना ये मजेदार पोम अब आइए चैप्टर को शुरू करते हैं दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस नोवेल ओलिवर ट्विस्ट इज अबाउट ओलिवर अ पुअर बॉय हु लिव्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन ये एक्सट्रैक्ट ये जो चैप्टर है ये लिया गया है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल ओलिवर ट्विस्ट से जिसमें ओलिवर है जो एक पुअर बॉय गरीब लड़का है और वो लंदन की सड़कों पर रहता है इन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में एक्सीडेंट में हर्ट्स हर्ट आम ओलिवर की में, बाजू में चोट लग जाती है टू वुमेन मिसेस मेली एंड हर यंग नीज रोज डिसाइड टू टेक केयर ऑफ हिम दो औरतें हैं एक मिसेस मेली और एक उनकी नीस है उनकी भतीजी है रोज

फीवर ऑलिवर की जो कंडीशन थी उसकी स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी दर्द के साथ साथ वो गीला भी हो गया था और ठंड के संपर्क में आने की वजह से उसे बुखार भी हो गया था दिस मेड हिम वेरी वीक इन डीट और इन सब की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था बट एट लेंथ ही बिगेन बाय स्लो डिग्री टू गेट बेटर लेकिन आखिरकार उसने धीमी गति से धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर दिया था he began to express how deeply he felt द गुडनेस ऑफ द टू स्वीट लेडीज वो बताना शुरू करता ही है ये जताना शुरू करता है कि वो इन दोनों स्वीट लेडीज का कितना आभारी है कितना वो थैंकफुल है और उनकी अच्छाई को कितना गहराई से महसूस करता है ही टोल्ड देम हाउ मच ही होपड टू बी स्ट्रांग एंड वेल अगेन और वो उन्हें बताता है कि वो फिर से कितना स्ट्रांग यानी मजबूत और ठीक होना चाहता है सो दैट ही कुड डू समथिंग टू शो हिज ग्रेटिट्यूड जिससे कि वो अपना आभार व्यक्त करने के लिए उनके लिए कुछ कर सके डियर बॉय सेन ऑलि है एक दिन जब ओलिवर उनका थैंक तो ने कहा डियर मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ us. तुम्हें हमें धन्यवाद करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे वी आर गोइंग इन टू दी एंड माई आंट इन दैट यू शेल गांव जा रहे हैं और मेरी आंट चाहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो द क्वाइट प्लेस द प्योर एयर एंड द प्लेजर एंड ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग विल क्योर यू इन अ फ्यू डेज फिर वो कहती है कि क्वाइट प्लेस शांत जगह प्योर एयर शुद्ध हवा और साथ ही साथ बसंत का आनंद और उसकी खूबसूरती तुम्हें कुछ ही दिनों में ठीक कर देगी यू कैन थैंक यू आर बेटर एक बार जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम हमारा धन्यवाद कर सकते हो डिस्टेंस इन कंट्री एंड और जल्द ही मेलीज थोड़ी ही दूरी पर अपने गांव में चली गई जहां पर उनका एक कॉटेज था और अपने साथ साथ वो ऑलिवर को भी ले गई

घने जंगल भी थे वुड्स कहते हैं छोटे से जंगल को तो घने वहां पर जंगल थे साथ ही साथ हरी पहाड़ियां थी जिनके बीच में उनका कॉटेज था ऑलिवर नॉइजी सिटी क्राउड्स फेल्ट पीस एंड डिलाइट इन द क्वाइट एटमोसफेयर एंड द बामी हेयर ओलिवर जिसका जो टाइम था वो नॉइजी सिटी क्राउड यानी भीड़ भाड़ वाले शहर के शोरगुल वाले एरिया में बीता था और उसे उस शांत वातावरण में क्वाइट एटमॉस्फेयर में आके बहुत ही ज्यादा शांति और आनंद महसूस हुआ साथ ही साथ शांत वातावरण के साथ साथ बामी एयर कहते हैं सुहानी हवा को तो सुहानी ठंडी हवा थी शांत वातावरण था और शांति थी उसे वहां आकर बहुत अच्छा लगा द पीस एंड क्वाइट ऑफ हिम गांव के वातावरण में जो पीस था यानी शांति थी और साथ ही साथ सुकून था क्वाइट था वो विलेज वो उसके लिए एक असामान्य सुखद एहसास था अन यूजल एंड चेंज था द बूटी ऑफ द प्लेस फैसिनेटेड हिम उस जगह की खूबसूरती से वो मोहित हो गया रोज गुलाब और हनी सकल कहते हैं उस श्रब को जिसके ऊपर फूल उगते हैं और जिसमें बहुत खुशबू आती है तो रोज और हनी सकल यानी खुशबू वाला पौधा उनके कॉटेज की दीवारों से लटक रहे थे द आईवी क्रैप्ट राउंड द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज आईवी कहते हैं क्लाइंबर को तो वो क्लाइंबर भी वहां पर पेड़ों के आसपास गोल-गोल लिपटे हुए थे एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ फ्लावर्स दैट फिल्ड द एयर विद परफ्यूम और जो बगीचा था वो फूलों से भरा हुआ था जिसकी खुशबू वहां के हवा में परफ्यूम की तरह खुल मिल गई थी इट वॉज अप्पी टाइम ये बहुत अच्छा समय था ऑलिवर डेज व पीसफुल एंड काम ओलिवर के दिन बहुत ही शांतिपूर्ण थे और सुकून भरे थे His sleep was deep. उसे गहरी नींद आती थी एंड ही फेल्ट नीदर फियर नॉर केयर और उसे ना ही कोई डर था और ना ही वहां कोई कोई परवाह थी, थी। चिंता पर और और कुछ नहीं था, क्या था? क्या केवल pleasant, आनंद और साथ ही साथ सुखद विचार happy thoughts आते थे उसे एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू एन ओल्ड जेंटलमैन हर सुबह वो एक ओल्ड जेंटलमैन यानी बूढ़े सज्जन व्यक्ति के पास जाता था हु टॉट हिम टू रीड बेटर एंड टू राइट जो उसे अच्छे से पढ़ना और लिखना सिखाते थे ही स्पोक सो काइंडली वो बहुत प्यार से बोलते थे एंड टुक सच केयर दैट ओलिवर ट्राइड हार्ड टू प्लीज हिम और इतनी तकलीफें उठाते थे इतना पेंस लेते थे ओलिवर के लिए कि ओलिवर भी बहुत मेहनत करता था कि वो उन्हें खुश रख सके आफ्टर हिज लेसन्स ही वुड गो आफ्टर हिज लेसन्स यानी अपने लेसन्स को पढ़ लेने के बाद वॉकिंग विद मिसेज मेली एंड रोज वो मिसेस मेली और रोज के साथ घूमने जाता था एंड हियर देम टॉक ऑफ बुक्स और उन्हें किताबों के बारे में बातें करते हुए सुनता था

एक बार वो लौट जाते थे ओलिवर हैड हिज ओन लेसन टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे ओलिवर के पास अपना लेसन होता था अगले दिन के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो ये ओलिवर का रूटीन था वहां पर एट दिस ही वुड वर्क हार्ड इन अ लिटिल रूम व्हिच लुक्ड इनटू द गार्डन टिल इवनिंग फेल और वहां पर छोटे से रूम में जो गार्डन की तरफ खुलता था वो शाम होने तक कड़ी मेहनत करता था देन द लेडीज वुड वॉक आउट अगेन एंड ही वुड गो विद देम और फिर वो लेडीज दोबारा घूमने चली जाती थी बाहर आ जाती थी घूमने के लिए और ओलिवर भी उनके साथ चल देता था ही लिसन विद प्लेजर टू ऑल दिस सेंट और वो जो कुछ भी कहती थी उसे वो बहुत खुशी खुशी सुनता था He 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 felt so happy if they wanted a flower that could could climb to to reach, or had forgotten anything he could run to fetch. कोई फ्लार चाहिए होता था तो उस फूल को तोड़ कर देने में ओलिवर बहुत खुशी महसूस करता था या फिर वो कोई चीज भूल जाती थी तो दौड़कर उसे लाने में

रोज पियानो पर बैठ जाती थी और कोई कोई अच्छी सी धुन बजाती थी थी और सिंग सम हर आंट या फिर कोई पुराना गाना गाती थी जो उसकी आंट को पसंद था नो कैंडल्स लाइटेड एट सच टाइम्स एज दीज एंड ऑलिवर सिट बाय ऑफ द विंडोज लिस्निंग टू द स्वीट म्यूजिक इन अ परफेक्ट रैप्चर और इस समय तक वहां पर कोई मोमबत्ती नहीं जलती थी कोई रोशनी भी नहीं होती थी और ओलिवर एक खिड़की के पास बैठ जाता था मधुर संगीत का पूरा आनंद लेता था ओलिवर वॉज अवेक एंड आउट ऑफ द हाउस बाय सिक्स ओ क्लॉक हर सुबह ओलिवर उठ जाता था जल्दी और छह बजे तक घर से बाहर निकल जाता था रोम फार एंड वाइट सर्चिंग द फील्ड एंड हेजेस और वो दूर दूर तक घूमता था और तलाशता रहता था खेतों को और उनके बाड़ों को फॉर बंचेस ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स किस लिए वाइल्ड फ्लावर्स यानी जंगली फूलों के गुच्छों को इकट्ठा करने के लिए वो दूर दूर तक घूमता था When he collected enough of these, he returned home. जब वो काफी इकट्ठा कर लेता था तो घर लौट आता था। और फिर उन wild को बहुत अच्छे से ध्यान से ब्रेकफास्ट की टेबल पर नाश्ते की मेज पर उन्हें सजाता था अरेंज करके रखता था आफ्टर ही कंप्लीटेड दिस लिटिल टास्क अपना यह छोटा सा काम पूरा कर लेने के बाद Oliver would be busy with other things. Oliver दूसरे कामों में में व्यस्त हो जाता था. पर पर आमतौर गांव थोड़ी सी चीजें थी समाइम ही वुड जॉइन चिल्ड्रन इन विलेज प्लेइंग ग्रीन कभी कभी वो गांव में हरी घास पर क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के

जब तक रोज बाहर आके ये नहीं देखती थी कि वो क्या कर रहा है देन शी वुड लुक एट ऑल ही हैड डन एंड प्रेज हिम फॉर हाउ वेल ही हैड डन देम और फिर जो कुछ भी उसने किया था ओलिवर ने रोज इन सब कामों के लिए उसकी तारीफ करती थी और उसे शाबाशी देती थी सो थ्री मंथ्स ग्लाइडेड अवे और इसी तरह से तीन महीने महीने बीत गए. These three months were pure joy for Oliver. और ये के के लिए पूरी तरह से मजे के दिन थे. एक तरफ जो थी, वो उसके प्रति बहुत ही दयालु और उदार थी ऑन दॉ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द प्लेजर ऑफ स्टेइंग विद इन कंट्री दूसरी तरफ ओलिवर उनके साथ गांव में रहने के लिए बहुत ज्यादा आभारी था इट इज नो वंडर दैट ओलिवर बिकेम ऑलमोस्ट लाइक फैमिली फॉर द ओल्ड लेडी एंड हर नीज और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस थोड़े से समय के साथ ही ओलिवर उस ओल्ड लेडी और उसकी नीज का फैमिली मेंबर बन गया था ओलिवर्स डीप लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ द मेलीज वाज इक्वल्ड बाय द लव एंड प्राइड दे फेल्ट फॉर हिम ओलिवर का डीप लव गहरा प्रेम और उसका सम्मान जो मेलीज के लिए था वो उसी प्यार के बराबर था जो उन्होंने उसके लिए महसूस किया था जितना मेलीज उससे प्यार करते थे उतना ही